चित्रकूट राम केवल त्रिपाठी तहसीलदार राजापुर के द्वारा की गई तानाशाही खाद वितरण में वीडियो बनाते वक्त पत्रकार से की अभद्रता। चित्रकूट जनपद की तहसील राजापुर अंतर्गत कोऑपरेटिव बरद्वारा में डीएपी खाद वितरण के समय मौके पर पहुंचे तहसीलदार राजापुर राम केवल त्रिपाठी के द्वारा डीएपी खाद वितरण पर पहुंचे लोगों का वीडियो बना रहे पत्रकार आवाज इंडिया लाइव के मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया से तहसीलदार के द्वारा अभद्रता की गई वीडियो बनाने पर धमकी दी गई। वीडियो पर आपको साफ साफ दिखेगा जिन बड़े किसानों को 20 से 25 बोरी डीएपी खाद की आवश्यकता थी उनको भी 2 बोरी दिलाई गई। क्या बड़े किसानों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी? कब तक परेशान रहेगा जिले का किसान? कब ध्यान देंगे जिम्मेदार? क्या ऐसे असभ्य तानाशाह अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी? क्या अधिकारी अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे? क्या वीडियो बनाने के लिए अधिकारियों से परमिशन लेना पड़ेगा? आम जनता की आवाज को उनके दर्द को दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे खुलेआम रामकेवल त्रिपाठी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष महोदय, तहसील अध्यक्ष महोदय व जिले के सभी सम्मानित पत्रकारों से उत्तर प्रदेश सरकार चित्रकूट जनपद के जिला अधिकारी महोदय, उप जिला अधिकारी महोदय राजापुर से विभागीय अधिकारियों से गंगा प्रसाद करवरिया निवेदन करते हुए मांग कर रहा है तत्काल प्रभाव से ऐसे असभ्य तानाशाह अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद प्राप्त करवाई जाए। इस मौके पर कोऑपरेटिव सचिव अनिल कुमार पांडे, पुलिस प्रशासन, बहुत अधिक संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण उपस्थित रहे। रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, चित्रकूट धाम बांदा मंडल प्रभारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल।